हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपशा और आज मैं आपको दिखाऊंगी हनुमान जयंती का पोस्ट कैनवा में। तो सोशल मीडिया पोस्ट हनुमान जयंती का आप कैनवा में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। 23 अप्रैल को है हनुमान जयंती, तो उसके लिए आप कैनवा में ट्राई करके देख सकते हो एक सोशल मीडिया पोस्ट। तो उसके लिए जो जो एलिमेंट मुझे ज़रूरत है तो वो मैंने एक पेज में इकट्ठा कर लिया, और इंस्टाग्राम साइज़ का जो पेज होता है ये साइज़ का मैंने पेज ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ से हम पहले हम बोलते थे कि कौन कौन एलिमेंट आपको यहाँ पर ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से जो एलिमेंट्स लिया हूँ वो है, पहले आप अगर हनुमान बोल के सर्च करोगे तो यहाँ से हनुमान का ऐसे मूर्ति आपको मिल जाएंगे, ये वाला मैंने चूज़ किया है, ठीक है। फिर आप ये जो हैंगिंग दिया बोल के अगर सर्च करोगे तो ये हैंगिंग वाला दिया आपको मिल जाएंगे, पर बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे, आप चाहो तो कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, मैंने ये वाला यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये जो माउंटेन मैंने लिया है, पॉइंटेड स्टोन माउंटेन बोल के अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ से आपको ऐसे बहुत सारा माउंटेन भी मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो गोल्डन डेकोरेटिव जो गोल्डन एलिमेंट बॉर्डर है, ठीक है, वो आप डेकोरेटिव एलिमेंट गोल्ड बॉर्डर बोल के सर्च करोगे तो यहाँ से बहुत सारा ऐसे डेकोरेटिव गोल्डन बॉर्डर आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, मैंने ये वाला यूज़ किया है, ठीक है। फिर मैंने एक गोल्डन बैकग्राउंड लिया है, ठीक है, गोल्डन बैकग्राउंड बोल के अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ से आपको बहुत सारा गोल्डन बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे, तो आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मैंने ये वाला यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने कुछ कलर कोड्स यहाँ पर लिया है, और मैं जो फॉन्ट स्टाइल यूज़ करना चाहती हूँ ये मेन हेडलाइन टेक्स्ट में रहेंगे, वार्षिक स्वाज बोल के एक फॉन्ट है, तो जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और एक पैराग्राफ टेक्स्ट भी मैं यूज़ करूँगी, तो इसके लिए मैंने पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो चलिए डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो मैंने ये जो गोल्डन बैकग्राउंड है इसको हम यहाँ पर ले लेंगे और इसको सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो बैकग्राउंड हमारा हो गया, तो इसके बाद ये जो गोल्डन बॉर्डर है, डेकोरेटिव गोल्डन बॉर्डर, इसको हम ले लेंगे यहाँ पर। तो इसको लेकर हम यहाँ पर ऐसे डुप्लीकेट करके बिठा देंगे, ठीक है। तो इसको आप ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप करके ऐसे डुप्लीकेट करके फ्लिप कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे फ्लिप करके ग्रुप कर देना, तो इसको हम ऐसे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसके बाद आता है हमारा जो ये मेन जो एलिमेंट, यानी कि हनुमान जी का जो मूर्ति है यहाँ पर, इसको हम कलर चेंज कर लेंगे पहले। तो इसका कलर मैंने चेंज कर लिया, चेंज करके हम इसको फ्लिप कर देंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके हम इसको ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर जो माउंटेन है इसको भी हम यहाँ पर ले लेंगे, और ये माउंटेन को भी हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके यहाँ से ले लेंगे। तो इसको हम ऐसे यहाँ पर ठीक है, तो इसको आप ऐसे रख सकते हो, फिर हनुमान जी को आप ऐसे रख सकते हो। फिर उसके बाद ये जो एलिमेंट है, ये ब्रांच ब्रश का जो एलिमेंट है, इसको आप कलर चेंज करके ऐसे रख सकते हो। तो ये हनुमान जी को मैं ग्रीन टू फ्रंट कर रही हूँ, और इसको मैं ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेन जो ग्राफिक था वो तो सेट हो गया यहाँ से। इसके बाद हम ये वाला जो फॉन्ट स्टाइल है, बाक्षी स्वाज बोल के जो फॉन्ट स्टाइल, इसमें मैं मेन हमारा जो हेडलाइन टेक्स्ट वो लिख रही हूँ। तो इसमें हनुमान जयंती मैं लिख रहा हूँ, और इसका जो लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर रही हूँ, और इसको इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज करके ऐसे यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर आप हैप्पी भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने कीबोर्ड से टी प्रेस किया और यहाँ पर हैप्पी लिख रहा है ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर दे सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पैराग्राफ टेक्स्ट। मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड किया, तो ये वाला पैराग्राफ टेक्स्ट को मैं ये वाला जो फॉन्ट है इसमें रख रही हूँ। ठीक है, तो इसका साइज अगर हम चाहे तो और भी ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर चाहो तो यहाँ पर कोई वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपका कोई लोगो वगैरह है तो लोगो भी ऐड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमें जो करना है, ये जो हैंगिंग दिया है इसको हम यहाँ पर ऐसे सेट कर देंगे। तो चलिए, हनुमान जयंती का जो पोस्ट था वो तो बनके तैयार है। तो इसको आप कोई भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, और इसका जो लिंक एनीवन विद द लिंक करके कॉपी लिंक करके किसी के भी साथ आप शेयर कर सकते हो ये लिंक, और ये आप जेपीजी पीएनजी पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका जो एडिटेबल लिंक वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ये जो एडिटेबल लिंक इस डिज़ाइन का मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगा। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये लिंक ओपन करके देख सकते हो, और ये सब एलिमेंट्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।